दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। पहले हम जो है बात करेंगे, यहाँ पर जो है आपने देखा आपका नया चीज़ यहाँ पर चैनल बन के तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या मतलब तीन सदस्य से काम शुरू हो चुका है। क्या मतलब यहाँ पर ये है, ये आपका जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वहीं पर कार्यालय इसका बनाया गया है। तो तीनों आयोग प्राथमिक हो गया, उच्चतर हो गया और साथ में जो आपका माध्यमिक हो गया, तीनों आयोग मिला के एक आयोग बन चुका है। अब कामकाज शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ तीन सदस्य से जो है वो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर तीन सदस्यों ने जो है भवन कार्यालय पर बात बनाई जा रही व्यवस्था। साथ में यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि यहाँ प्रधानाचार्य और उपनिदेशक प्रत्येक का साक्षात्कार अप्रैल में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर तक जो है जितनी भी संस्थाएं में भर्ती होंगी, है ना, चाहे आपकी क्लर्क भर्ती है इंटर कॉलेज के अंतर्गत, या आपकी चपरासी भर्ती है, या आपको शिक्षक भर्ती TGT PGT UPT TGT PGT, या आपका जो डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, तो आप सभी जानते हैं इसी आयोग से जो है वो कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी आयोग से 12 तारीख को यहाँ पर जो है ये यहाँ पर 12 को लखनऊ में की थी ज्वाइनिंग। यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो है जितने भी सदस्य थे 12 के 12, तो यहाँ पर उन्होंने जो है ये अब तीन सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद जो जो आसपास के थे और इसके बाद दूर वाले भी आज इसमें संभाल लेंगे। इसके बाद जो है परीक्षा नियंत्रण की इसमें जो है वो तैनाती की जाएगी, साथ में जो है अध्यक्ष मोदी जी की तैनाती की जाएगी, सचिव और उप सचिव भी यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो तीनों आयोग मिला एक आयोग बन चुका है। अब आपके जो एग्जाम की तिथियाँ हैं वो ये है, इलेक्शन के बाद, कहना मतलब कि आपका जून 5 जून या 4 जून के बाद जो है ये जून के लास्ट में या फिर एक तरीके जुलाई या अगस्त में जो आपका एग्जाम 100% हो जाएगा। जो जानकारी मिली है वही चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। इसमें जो है काम शुरू इसमें चल रहा है, डिपार्टमेंट काम हो चुका है। बात करेंगे यहाँ पे जो लोक सेवा की तरफ से खबर है, यहाँ पे जो है राज्य कृषि सेवा के 268 पदों के लिए आवेदन जो है अगले महीने शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या अभी विज्ञापन आया भी नहीं है और जानकारी आ चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया सूचना, है ना, कराना इसमें जो है इसमें होगा OTR जरूर आप करा लीजिएगा, ठीक है। OTR, ठीक है ना, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको आप करा लेके रखिएगा। इसमें जो है ये शिक्षक जो है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षक ने जो है कार्य कहना मतलब करने से मना कर दिया। कहना मतलब कॉपियां चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें शिक्षकों ने मूल्यांकन का किया बहिष्कार, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी जो कॉपी चेक नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे वो सुन लीजिए कान खोल के, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर ये इसलिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ये देख लीजिएगा, इसकी वजह से जो है इनकी वजह से जो है ये देख लीजिए, हम यहाँ पर जो इनकी वजह से इन्होंने कहा कि जो है इन्होंने कहा कि हम जो है मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे तो खुद पढ़ने में शर्म आ रही है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ठीक है नशे में धुत होकर इस तरीके से करते हैं ये लोग जो है ये, और केवल बर्खास्त किया, कुछ नहीं किया उसको, जो है बर्खास्त करके वो दोबारा ज्वाइनिंग पा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये इनको तो सीधा और सीधा एकदम से फांसी, है ना, तो वही चीज़ कह सकते हैं। यहाँ पर जो है ये आप समझ लीजिए, इसमें इसलिए है तो टीचरों ने मना कर दिया कि हम जो है कॉपियाँ चेक नहीं करेंगे। और भाई मैंने जो है आपको कल के वीडियो में बताया था, पर बच्चे कह रहे सर ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, रिक्वायरमेंट आपका सैनिक स्कूल मैनपुरी की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए परमानेंट वैकेंसियाँ, यहाँ पे जो है ये रेगुलर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये आपका TGT साइंस की रह गई, इसके बाद जो है ये ऑफिस OS कौन होता है आप सभी जानते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं, यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। इसके बाद इनकी अभी डेट चल रही है, मैं बता रहा हूँ 22 मार्च इसकी अंतिम तिथि है, तो आपने अभी तक जो है फॉर्म नहीं भरा भरिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है ऑफिस के बाद यहाँ पर जो हो गया ये आर्ट टीचर का हो गया, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर कुछ परमानेंट और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसियाँ बताई गई। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर तो यहाँ पर जो है रेगुलर हैं ये, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ये भी रेगुलर पोस्ट है, स्थाई पोस्ट है ये, और आपका जो है ये भी रेगुलर है, ठीक है। इसके बाद जो है नीचे वैकेंसियाँ जो है ये बताई गई हैं कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल भी सैलरी ठीक है 40,000 के आसपास आपको सैलरी मिल रही है, फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ये, और बिना टेट सीटेट वाले इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना, करके घर में नौकरी है आसपास और प्लस खाना पीना रहना आप सभी जानते हैं, ये सब फ्री मिलता है, फ्री मैस वगैरह इसमें उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और जो है 12 मार्च इसकी सॉरी इसके 22 मार्च इसकी जो अंतिम तिथि है, फॉर्म जरूर भरिएगा। और ये वाला फॉर्म जो है ये रहा जो है ये वाला फॉर्म ये रहा, ठीक है, ये वाला फॉर्म भर के आप जो है वो जमा कर दीजिएगा। बहुत सकेंगे भैया एक बात बताइए, फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं? मैंने जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया है, आप भी कर लीजिएगा और फॉर्म भर के जो है आप नौकरी कर लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए खुशखबरी है। और आपको एक बार और याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है ये वैकेंसी प्योन भर्ती हर जिले में लगभग आ चुकी है। मैंने आपको बताया था 30 मार्च इसमें जो है 30 मार्च इसकी अंतिम तिथि, 54 पदों एडेड कॉलेज के अंतर्गत यहाँ सहायता प्राप्त जो इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर 12th क्लास पास वालों की चपरासी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए 30 मार्च इसकी जो अंतिम तिथि 54 पद कहाँ से निकाली गई, ये आपके इटावा जनपद से, ठीक है। सबका फॉर्म एक जैसा ही है, सैलरी सबकी एक जैसी है, और यहाँ पर देख लीजिए केवल मैं डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो है।
और ये एक पोस्ट आपकी 68 पदों पर ये भी पेवन भर्ती है। यहाँ पर देखिए 12th क्लास पास इसमें आवेदन कर, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका इसमें दिया हुआ और आई है, ठीक है, यहाँ से फॉर्म आप भर दीजिए। और एक वैकेंसी निकाली गई 70 पदों पर 84 भर्ती एडिट कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर, और ये वाली जो भर्ती निकाली गई यहाँ पर कन्नौज से निकाली गई है। और ये वैकेंसी 89 पदों पर है, ये पेवन भर्ती एडिट कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर जो है, यह आपकी जो है कानपुर देहात से आई है। यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज़्यादा इसमें पेवन भर्ती 175 पदों पर जो निकाली गई हैं, यह आपकी जो कानपुर नगर से। ये भर्ती कैसे तो भरेंगे, फॉर्म सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर याला फॉर्म आपकी जो है वो भर दीजिएगा। तो बाकी जो आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, 2-3 दिन से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। आंगनवाड़ी भर्ती चल रही है जिसकी डेट यहाँ पर 3 अप्रैल तक यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, 5 अप्रैल किसी की, 3 अप्रैल वो आप देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है आप ये देख सकते हैं आप खुद ही, ठीक है, इसमें चल रही सब लगभग सभी जनपदों से। साथ में जो बीए वाले और बीए वाले भी जो है एमएससी अब कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ये लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पर जो है ये फैसला आ चुका है। बात करें यहाँ पर सिपाही भर्ती परीक्षा में 80 करोड़ की जो है वो डील की गई थी, यहाँ पर लखनऊ से बात है, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती पुलिस की परीक्षा में जो है ये पहले ही लीक होने से पहले ही 80 करोड़ की यहाँ पर जो है वो डील की गई थी। एसटीएफ ने इनको जो है ये पर्चा के बारे में दिया हुआ, बाकी आप जानकारी देख लीजिए। और ये जो रकम जो है यहाँ पर छोटे शहरों से आई थी जो है लखनऊ में बटी इसमें रकम, ठीक है, लखनऊ एजेंट के द्वारा जो है बांटी गई रकम। और द्वारा आप सभी जानते हैं यूपी का छोड़िएगा, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का भी जो इस बार बार वोटिंग से लीक हुआ पेपर, इन्होंने कहा है कि जो पेपर लीक हो गया तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। ऐसी हमारी जो है रांची की तरफ से देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये बताया गया इसमें एनसीईटी जो है 4 वर्षित बीएड के लिए कॉलेज से मांगा आवेदन। बात करते थे आप कमेंट की ओर, महाराजगंज में क्लर्क वैकेंसी कब आएगी, बहुत जल्द आने वाली है। आपने अगर रात का वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये संविदा पर वैकेंसी निकल चुकी है, ठीक है। इसके बाद जो बनारस से, इसके बाद एक कमेंट सबसे ज़्यादा जो आता है, इनका कमेंट जो है बहुत बार आ चुका है, ये नंबर मांग रहे हैं। मैंने इनसे बोला कि अगर आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, अरे साइबर कैफे चले जाइए, रजिस्ट्रेशन पहले आप सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाके पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, उसके बाद साइबर कैफे से बोल दीजिएगा, उसको वो आपका जो है फॉर्म भर देगा। इसमें जो है ये इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, ये हमेशा मेरा वीडियो देखते हैं भाई, उन्होंने कहा कि जो इटावा से भर्ती नहीं आ रही, मैंने आपको बोला था इटावा से भर्ती आ चुकी है, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने अभी जस्ट इसी वीडियो में इटावा से भर्ती दिखाई है ना, तो आपको सेवा योजना पर रजिस्ट्रेशन मेरा फिल भी नहीं हो रहा है। अरे भाई साइबर कैफे चले जाइए, वो आपको सोल्यूशन बता देगा, 10-50 रुपये खर्च कर लीजिएगा, आपके वीडियो का हमें बहुत इंतजार रहता है, थैंक यू वेरी मच भाई। बुलंदशहर से वैकेंसी आएगी, मैं जरूर आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। परमानेंट वैकेंसी भी इसमें जो है इसमें एडिट कॉलेज में आने वाली है। सर आप हमें जो है सही वो है जॉब के अपडेट देते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको भी जो थैंक यू वेरी मच। इनका इंटरव्यू का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, मैं पता लगा के आपको बता दूंगा। और तो और ये वाला कमेंट थोड़ा बड़ा है तो मैं इस कमेंट का रिप्लाई पर्सनली सेंड कर दूंगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में इसमें क्लर्क भर्ती का जो है एक तरीके से आप शुरू होने वाली हैं, 2-3 महीने का इंतजार करिए, 2 महीने के बाद तुरंत एग्जाम आपको शुरू हो जाएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरी प्लस, थैंक यू वेरी मच।